राजा जनक कहते हैं, आश्चर्य है कि शरीर सहित विश्व को त्याग कर किसी कुशलता से ही, उपदेश से ही अब मैं परमात्मा को देखता हूँ। तो जो प्रकरण वन है, यानी पहला प्रकरण है, उसमें बेसिकली हुआ क्या कि राजा जनक को आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। अब जो रिप्लाई है, व्हाट ही इज़ गिविंग इज़ कि आश्चर्य है, आई एम सरप्राइज्ड कि शरीर सहित विश्व को त्याग कर। यहाँ पे बात करी जा रही है कि माइंड के लेवल पे मैंने बॉडी को त्याग दिया है, विश्व को भी त्याग दिया है, क्योंकि विश्व जो है उसका जो बेस मटेरियल है वो साउंड ऑफ साइलेंस है। किसी कुशलता से ही, उपदेश से ही अब मैं परमात्मा को देखता हूँ। पहले क्या हुआ कि मैं शरीर को ही सब कुछ समझ रहा था कि आई एम द बॉडी, आई एम द बॉडी, और विश्व को खुद से अलग समझ रहा था। फिर क्या हुआ कि जब मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ तो आई एम रियली सरप्राइज्ड कि मैं शरीर को हटा के, विश्व को हटा के त्याग कर कहाँ पे, माइंड के लेवल पे किसी कुशलता से ही अब मैं परमात्मा को देखता हूँ। तो परमात्मा और आत्मा जो है, बेसिकली ये हम सबको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द परमात्मा एंड आत्मा। द डिफरेंस इज एब्सोल्युटली नथिंग, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का खेल है ये। महान आत्मा और आत्मा में डिफरेंस क्या है? महान आत्मा वो है जिसने ये समझ लिया है कि मैं हर जगह व्याप्त हूँ। एक आत्मा में डिफरेंस क्या है? एक आत्मा क्या सोचती है कि भाई मैं यही हूँ बस, और मैं विश्व से अलग हूँ, मैं अपने बीवी बच्चों से अलग हूँ, मैं अपने देश से अलग हूँ, मैं दूसरे देश से अलग हूँ, हर जगह से ही इज़ आइडेंटिफाइड। सो आत्मा और परमात्मा का अगर बेसिक डिफरेंस देखा जाए तो वही है कि बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। कोई मान रहा है कि मैं सबसे अलग हूँ, एंड ही इज़ आइडेंटिफाइड विद सम कास्ट, क्रीड, देश, कोई ऑब्जेक्ट, फैमिली, कुछ ना कुछ ही इज आइडेंटिफाइड। अगर अर्थ वालों को अर्थियन बोलेंगे, और मार्स, अगर मार्स में कोई एलियन आता है उसको मार्शियन बोलेंगे, तो क्या वहाँ पे भी डिफरेंस लाना ज़रूरी है, या फिर वहाँ पे भी ये बोला जा सकता है कि भाई अर्थियन और मार्शियन दोनों ये एक हैं? हालांकि मार्शियन ऐसा कुछ है भी नहीं, देर इज़ नो मार्शियन एज सच टिल नाउ, बट लेट्स से कि अगर होता है तो क्या वहाँ पे डिफरेंशिएशन भी होना चाहिए, या फिर आइडेंटिफिकेशन कॉस्मिक होनी चाहिए? तो अगर आपसे पूछे आप कौन हो, तो आपकी आइडेंटिफिकेशन एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए आपको कि भाई मैं एग्जैक्टली कौन हूँ। तो होता क्या है, जब ये क्लियर होने लगता है, अभी ज़रूरी क्यों है क्लियर होना? जब ये चीज़ें क्लियर होने लगती हैं कि मैं कौन हूँ, तो जो डिज़ायर है वो लूज़ होने लगता है। जो छोटी छोटी डिज़ायर हैं, करियर बना लो, पैसा, ये वो, उसका जो कंपल्शन है वो लूज़ होने लगता है। अब डिज़ायर आपको नहीं चुनता है, आप डिज़ायर को चुनते हो। कोई पागल हुआ पड़ा है, हाय मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, नहीं मर जाऊँगा मैं, हाय रे हाय रे हाय रे। अच्छा नहीं बने तो, अरे मेरी लाइफ बहुत बेकार है, अगर मैं सिंगर नहीं बना ना तो मेरी लाइफ बहुत बेकार है, कुछ नहीं हूँ मैं। जबकि ये झूठ है, अगर आप कुछ भी नहीं बने तो भी आप सब कुछ हो, क्योंकि जिसके पास बहुत पैसा है और उसको आत्मज्ञान प्राप्त नहीं है, उसको इंटरेस्ट नहीं है आत्मज्ञान में, तो वो दो कौड़ी का भिखारी है। क्यों?
क्योंकि बहुत पैसा मतलब खुशी नहीं होता है। तो आपने चैप्टर वन अपना चालू किया करियर से और आपका जो लास्ट चैप्टर था उसमें आपने ख़त्म किया सफरिंग पे। पूरी ज़िंदगी आपने सफरिंग करी, पेन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इसकी वजह से आप प्लेजर्स में इंडल्ज होने लगे। प्लेजर भी बहुत सारे हैं, फूड, सेक्स, नशा, कंफर्ट, लेजीनेस, स्लीप, हर चीज़ का बैलेंस है, लेकिन सब कुछ ओवर बैलेंस होने लगेगा। इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर लाइफ, इफ़ योर डिज़ायर्स आर नॉट फुलफिल्ड, और इवन इफ द डिज़ायर्स आर फुलफिल्ड स्टिल यू आर सफरिंग, व्हाट विल हैपन इज कि माइंड विल ओवर पावर यू। एक बार माइंड ने ओवर पावर किया, अब ये इनएविटेबल है, ये अटल है, याद रखना इसको, इस पर कंट्रोल नहीं है। अगर आपका माइंड सफ़र कर रहा है ना, तो माइंड आपसे ये चार चीज़ों में किसी एक चीज़ में या चारों में इंडल्ज करवाएगा। वो चार चीज़ें क्या है? खाना, सोना, नशा और संभोग या सेक्सुअलिटी। ये चार चीज़ों में आप घुसोगे। जिसकी शादी नहीं हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडल्ज नहीं हो सकता, वो सेल्फ प्लेजर कर सकता है अपने आप को। तो दैट इज़ वॉट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन माई लाइफ एंड दैट इज़ वॉट आई एम टेलिंग एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपको जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा कि आप कौन हो, तब तक आप भागते रहोगे। और ऐसी ऐसी जगह भागते रहोगे जहाँ पे सिर्फ प्लेजर है। और कोई जो एक प्लेजर होता है ना, वो थोड़ी देर के लिए आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि नर्व्स स्टिमुलेट होती हैं। तो प्लेजर कोई सुकून नहीं होता है, प्लेजर का मतलब है डिस्ट्रैक्शन फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ प्लेजर। तो शरीर सहित विश्व को त्याग कर, शरीर को त्याग कर मतलब माइंड के लेवल पे शरीर को त्याग कर कि भाई मैं ये नहीं हूँ, हालांकि ये सब मेरे से बना हुआ है, बट अगर क्या शरीर नहीं है तो क्या मैं भी नहीं हूँ? ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर शरीर नहीं है तो भी आप हो, लेकिन आप कॉन्शियस नहीं हो, आपको मटेरियल वर्ल्ड परसीव नहीं हो रहा है। मटेरियल वर्ल्ड तब परसीव होगा जब आप कोई इंस्ट्रूमेंट पकड़ोगे, वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, कोई एनिमल का इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, इंसेक्ट हो सकते हैं, रेप्टाइल्स हो सकते हैं, ओशियंस में इतनी लाइफ है, उसमें से कोई एक जीव हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, कोई एलियन हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है। नाउ आई नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु विल थिंक कि अच्छा एलियन का नाम लिया तो क्या एलियन एग्जिस्ट करता है? दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ, बिकॉज द माइंड वर्क्स एग्जैक्टली लाइक दिस। डज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ एग्जिस्ट? डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर। देयर आर मिलियंस ऑफ प्लैनेट, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी दैट इट एग्जिस्ट, बट हाउ डज दैट अप्लाई टू मेक योर माइंड हैप्पी? सो ये सब फालतू की बातें हैं, इससे अच्छा है कि यू वॉच सम मूवी, दैट इज मच बेटर। आश्चर्य है कि शरीर सहित विश्व को त्याग कर, त्यागना क्यों है? शरीर को अगर मैं समझूंगा तो क्या होगा? अगर मैं अपने आप को शरीर समझूंगा तो क्या होगा? त्यागना क्यों है? सफरिंग। अगर आप खुद को एक लिमिटेड चीज़ समझ रहे हो और एक्चुअली में आप अनलिमिटेड हो, आप इनफाइनाइट हो और आप समझ रहे हो फाइनाइट, तो दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ सफरिंग। नाउ व्हाट विल हैपन इज़ कि आप अपने आप को इस सफरिंग से बचाने के लिए ये चार जो मैंने कारण बताए, इसमें किसी एक में, फूड, सेक्स, स्लीप, कंफर्टेबल लाइफ और नशा, इंटॉक्सिकेशन, कुछ भी, इन चार कारणों में किसी एक कारण में आप अपने आप को घुसा दोगे या चारों में घुसा दोगे, तो सफरिंग कैसे सही होगी? बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते हैं, उससे क्या होता है कि शांति हो जाती है, किसी भी चीज़ पे ध्यान देते हैं, अगर कोई एक चीज़ ऐसी है जो स्थिर है उस पे ध्यान दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका शांति आने लगेगी। शांति आई, शांत मन का मतलब क्या है? एक ऐसा मन
जो एक टाइम के लिए, एक टेम्प्रेरी टाइम के लिए, एक लिमिटेड टाइम के लिए, मे बी आधे घंटे के लिए, एक घंटे के लिए, डेढ़ घंटे के लिए डिज़ायर फ्री है, स्ट्रेस फ्री है, एंग्जाइटी फ्री है, पेन फ्री है, डिप्रेशन फ्री है, तो उस एक डेढ़ घंटे को आपको यूज़ करना है खुद को समझने के लिए। क्योंकि अल्टीमेट अगर आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं करी और आप मेडिटेशन करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, तो उससे कुछ नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? बिकॉज अगर किसी आदमी ने ध्यान करना चालू कर दिया और वो ध्यान को ही अंत समझने लगा, तो व्हाट विल हैपन इज कि कुछ टाइम तो अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद जब लाइफ हावी होगी, फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू सिचुएशन कि यू आर सिटिंग इन द मेडिटेशन एंड आपने कहा कि भाई ऐसा है ध्यान ही अंत है, मैं ध्यान करूँगा, मैं रात में 12 बजे सोऊंगी, सुबह 6 बजे उठूँगी, ध्यान में रात भर बैठी रहूँगी। आप 12 बजे बैठे, 6 बजे उठे, 12 बजे बैठे, 6 बजे उठे, आपका रोज़ का चल रहा है, 2-3 महीने हो गए, बहुत बढ़िया लग रहा है। 4th महीने क्या होगा, आप एक दिन रात में 12 बजे बैठे और रात में 2 बजे कॉल आया कि भाई आपका जो बॉयफ्रेंड है उसने क्या किया है, मेरे पास ऐसी फुटेज आई हुई है कि आपके बॉयफ्रेंड किसी और के साथ सो गया और ये है फुटेज भाई, ये मैंने फॉरवर्ड कर दिया, देख लो। अब मेरे को ऐसा कोई भी मेडिटेशन बता दो कि जो वहाँ पे आपकी एंग्जाइटी रोकेगा, जो वहाँ पे आपके अंदर जो एंगर उठेगा उसको रोकेगा, ऐसा कोई मेडिटेशन नहीं है। देर इज़ नो मेडिटेशन लाइक दैट। द ओनली थिंग दैट विल हेल्प ओवर देयर इज द अंडरस्टैंडिंग। अ पर्सन हु इज डम्ब विल रिएक्ट, अ पर्सन विदाउट एनी नॉलेज ऑफ लाइफ, विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ विल रिएक्ट, बट अ पर्सन हु हैज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ मे रिएक्ट और मे नॉट रिएक्ट। वाई? क्योंकि कोई अगर रिएक्ट करेगा तो उसका उस पर भी ध्यान रहेगा कि मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, लेकिन उसकी लिमिट पता होगी उसको रिएक्ट करने की। हो सकता है कि कोई कहे कि भाई तूने ऐसा किया मेरे साथ, मैं तेरे साथ नहीं रहूँगी अब, ये एक रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद उस बंदे को या बंदी को, लेट्स से बंदी को पता है, क्योंकि वो इंटेलिजेंट इनफ है, लास्ट 2 साल से वो अपनी बुद्धि पे काम कर रही है, अपने बुद्धि को यूज़ कर रही है लाइफ की अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए, तो ऐसे मोमेंट पे क्या होगा कि वो ये समझेगी कि अब मेरे पास नेक्स्ट 3-4 महीने का टाइम है, नाउ आई विल बी इनटू द जोन ऑफ पेन, सो शी विल एक्सेप्ट एवरीथिंग। द मोमेंट यू एक्सेप्ट टाइम पास, एक बार टाइम पास हुआ तो दर्द तो होगा लेकिन यू विल ओवरकम वेरी ईजली। सेम पर्सन हु हैज़ डम्ब अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, जिसकी अंडरस्टैंडिंग एकदम बॉडम है, तो ऐसे में क्या होगा कि वो बंदा हो सकता है 10 साल तक उसी लड़के के थॉट में फंसा रहे। ऐसे बहुत सारे लोग आपको दिख जाएंगे जो एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं, 10 साल हो गया, ब्रेकअप हो गया है, डेथ हो गई किसी की, तो यहाँ पे क्या काम आएगा? यहाँ पे मेडिटेशन काम नहीं आएगा, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग काम आएगी कि भाई ये मेरे बियॉन्ड के कंट्रोल है, जब उसने उसके साथ कर लिया तो अब मैं उसको अपना वापस नहीं बना सकती, ना ही उसको पास में जा सकती हूँ, उसको सोल्यूशंस दिखने लगेंगे। शी विल स्टार्ट सीइंग सोल्यूशंस, शी विल स्टार्ट सीइंग कि भाई ये चीज़ें हैं मेरे पास, क्यों? क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। लेकिन जो एक डम्ब आदमी होगा जो मेडिटेशन करता जा रहा है करता जा रहा है करता जा रहा है, उसके सामने कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि जो है वो ब्लंट हो गई है, बुद्धि उसकी शार्प नहीं है, उसने बुद्धि को कभी यूज़ ही नहीं किया। बुद्धि कभी भी जब तक इस्तेमाल नहीं होती है ना, तब तक बुद्धि बारीक नहीं होती है। बुद्धि को बारीक करने का सिर्फ एक तरीका है कि बुद्धि का इस्तेमाल होना ज़रूरी है। मेडिटेशन आपको सारे जो सेगमेंट्स हैं माइंड के उसको शट डाउन कर देता है, तो आपको अच्छा तो लगता है, लेकिन जब आपके पास एकदम से कोई इन्फॉर्मेशन आएगी और आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं आता, आपका प्रॉब्लम को
यू नो समझना नहीं आता, उसका सल्यूशन निकालना आपको नहीं आता, आपने पास्ट में प्रैक्टिस नहीं करी है छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालने में, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम मेडिटेशन कि आप भैया ये कर लोगे और उससे बाहर आ जाओगे। तो मेडिटेशन करना है शांत होने के लिए, जिससे हम अपनी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग को सही कर सकें। ये होता है मेडिटेशन का रूल। और मेडिटेशन का मतलब बहुत सारे लोगों ने गलत समझ रखा है। मेडिटेशन मतलब होता है कि जैसे आप अभी मेरे को सुन रहे हो एकदम ध्यान से, ये मेडिटेशन है। लेकिन अगर आप मेरे को सुन रहे हो और सोच कुछ और रहे हो, यार यहाँ भी उस वीडियो में भी यही बोला था, ये इनकी बातें इससे सिमिलर लगती हैं, तो वो चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ वो मिस हो जाएगी। अब वो चीज़ कब आप पकड़ोगे? जब नेक्स्ट टाइम इस ऑडियो को दोबारा सुनोगे, फिर आप कहोगे अंदर से, यार ये तो मैंने पहले सुना नहीं था। क्यों? क्योंकि आपका फोकस आउट था कहीं, आपका फोकस जो था वो इस पे नहीं था। तो अगर आपका फोकस 100% किसी चीज़ पे है तो वो आपके स्मृति से होते हुए जाएगी। स्मृति मतलब कॉन्शियस मेमोरी। और कॉन्शियस मेमोरी से अगर कुछ भी होते हुए जाता है तो वो आप एक्सेस कर सकते हो। आप उससे उसमें वापस जाके आप निकाल सकते हो। अभी भी रिकॉर्ड हो रहा है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, लेकिन वो आपका आपको एक्सेस उस इन्फॉर्मेशन का तभी मिलेगा जब वो कॉन्शियस मेमोरी से होते हुए जाए, वो कॉन्शियसनेस से होते हुए जाए। वहाँ पे कॉन्शियसनेस थी उस वक्त, तो वो माइंड के उस पार्ट में रिकॉर्ड हुआ। अदरवाइज रिकॉर्ड तो सब कुछ हो रहा है, पंखे की आवाज़ सब कुछ रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन कुछ भी आप रिकलेक्ट नहीं कर सकते, रिकॉल नहीं कर सकते। तो अंडरस्टैंडिंग को सही करने का मतलब ही स्पिरिचुअलिटी है और मेडिटेशन है। तो वो जो बंदी वहाँ बैठी है और उसको पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और के साथ सो गया, तो वो रिएक्ट करेगी, हो सकता है ना ही करे, क्योंकि अगर उसके साथ ऑलरेडी पास में 10 बार हो रखा होगा तो रिएक्ट भी नहीं करेगी, क्योंकि अब वहाँ पे एक एंड्योरेंस आ गया है, अब वहाँ पे एक केलस फॉर्मेशन हो गया है। जैसे हम गिटार बजाते हैं तो हाथों में केलस आ जाता है, खाल मोटी हो जाती है, ऐसे ही आप स्ट्रांग हो जाते हो। अगर आपको बार बार एक ही चीज़ करी जाए ना, तो आप एक टाइम के बाद उससे आप नंब हो जाते हो, उस चीज़ से रिलेटेड, वो पर्टिकुलर स्टिमुलस से रिलेटेड, कि कोई छोड़ के चला गया, कोई भी हो, चाहे वो पहला बॉयफ्रेंड हो, दूसरा बॉयफ्रेंड हो, तीसरा बॉयफ्रेंड हो, छोड़ कर जाना एक स्टिमुलस है। और वो नेक्स्ट टाइम आपको देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी, अगर बार बार हुआ है तो वहाँ पर रिएक्शन ही नहीं उठेगा, अब अपना काम करते रहोगे, देर विल बी एब्सोल्युटली कोई फ़र्क नहीं होगा। मे बी एक दो दिन के लिए होगा। जितनी गहरी समझ होती है उतनी जल्दी आदमी बाहर आता है, सफ़र करता है आदमी लेकिन बाहर आता है। एक ऐसे इंसान में जो आध्यात्मिक है और एक ऐसे इंसान में जो आध्यात्मिक नहीं है, दोनों में यही डिफरेंस है कि दोनों ही सफ़र करते हैं लेकिन दोनों बाहर जल्दी आते। जो आध्यात्मिक आदमी है वो जल्दी बाहर आता है, और जो वेल्ला आदमी है वो फंसा रहता है। अलग अलग टाइप के होते हैं, कोई 10 साल के लिए फंसा होता है, कोई 2 साल के लिए फंसा होता है, कोई 6 महीने के लिए फंसा होता है, लेकिन फंसेगा लंबा। तो मेडिटेशन इज़ लाइक दैट। एक और एग्जांपल भी है कि अगर आप बैठे हो मेडिटेशन में और आपको बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम से आपको कॉल आया कि आपके घर में डेथ हो गई है, तो देर माइट बी अ पॉसिबिलिटी यू विल पैनिक, बट अगर आपको पता है डेथ क्या है तो आप बाहर आ जाओगे फट से। तो इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। अब ये अंडरस्टैंडिंग मेरे अंदर कैसे आई? मेरे अंदर एक ठहराव आया, पहले एक रेस्टलेसनेस थी लाइफ में, सफरिंग थी, उसको थ्रू मेडिटेशन, मे बी ऑन साउंड ऑफ साइलेंस और समथिंग लाइक दैट, उसको सही किया। जब मेरे माइंड ने घुटने टेक दिए कि अब मुझे वो मिल चुका है जो मुझे चाहिए, अब तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना है। कौन बताए? कॉन्शियसनेस। किसको बताए? माइंड को। अब बताओ क्या करना है भाई? ये करना है। एक अंदर मेरे सेगमेंट है जिसको हम लॉजिक कह सकते हैं, जो बुद्धि का पार्ट है, उस लॉजिक के थ्रू सबकॉन्शियस को प्रोग्राम किया जाता है। सबकॉन्शियस प्रोग्राम तभी होगा, माइंड जो होता है बेसिकली, उसको सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, वो तब ही प्रोग्राम होगा जब आप एब्सोल्युटली उसको वो दे दो जो उसको चाहिए। क्या चाहिए? सुख।
जब आपने उसको सुख कर दिया जो उसको चाहिए, ना कि आपने प्लेजर दिया, क्योंकि प्लेजर से माइंड को कोई फर्क नहीं पड़ता है। योर माइंड डजंट केयर अबाउट करियर, डजंट केयर अबाउट पैशन, योर माइंड डजंट केयर अबाउट स्टिमुलसेस और द प्लेजर्स, फूड, सेक्स, ऑल दीज थिंग्स। योर माइंड ट्रिक्स यू, क्योंकि माइंड को पता ही नहीं है कि एक्चुअली में खुशी कहाँ पे है। इस वजह से माइंड ट्रिक करता है कि भाई चल फूड में इन्वॉल्व हो जा, सेक्स में इन्वॉल्व हो जा, हेयर इधर इन्वॉल्व हो जा, सच्चे प्यार को पाले, ये कर ले, वो कर ले, वो कर ले, ये कर ले, वो कर ले, तो शायद खुशी मिल जाएगी। बार बार माइंड इन्वॉल्व होता है, पर थोड़े टाइम बाद माइंड को फिर से रियलाइज हो जाता है, तो माइंड अंदर से वापस उस सफरिंग को क्रिएट कर देता है और फिर कुछ ऐसा आइडिया निकालता है कि भैया अब इसमें चलते हैं, अब सेक्स करते हैं, अब ये करते हैं, अब फूड में जाते हैं, अब ये नशा करते हैं, अच्छा ये वाला नशा हो गया, अब दारू पीते हैं, दारू हो गया, अब चल सिगरेट पीते हैं, सिगरेट हो गया, चल चरस गांजा फूकते हैं, है ना। अलग अलग करता जाएगा, करता जाएगा, समझ में आएगा अच्छा यहाँ कुछ नहीं है, फिर आगे बढ़ाता जाएगा। तो ऐसा माइंड जो भटक रहा है उधर, ऐसे माइंड को रियल स्टिमुलस देना ज़रूरी है, जो ध्यान से, साधना से होता है। एक बार वो हुआ तो अब माइंड आपको अलाउ करता है आपके अंदर कुछ रिकॉर्ड करने के लिए, कुछ रीप्रोग्राम करने के लिए, कुछ हैबिट्स को रिप्लेस करने के लिए, कुछ भी ऐसा जो आपको पसंद नहीं है उसको हटा के कुछ ऐसा जो आपको पसंद है वो लाने के लिए। अदरवाइज तो सब ऐसे हवा में है, क्योंकि रेस्टलेस माइंड नेवर बेंड्स। एक रेस्टलेस माइंड ना कभी झुकता नहीं है, एक रेस्टलेस माइंड कभी भी ये नहीं कहता कि मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ और आओ जैसे चाहो वैसे मोड़ लो। एक रेस्टलेस माइंड रिजिडिटी होता है उसके अंदर, उसके अंदर टाइटनेस होती है, वो झुकता नहीं है, वो एक खड़े पेड़ की तरह है। लेकिन एक माइंड जो बहुत हैप्पी है वो एक मैं भी एप्पल के वृक्ष की तरह है, सेब के वृक्ष की तरह है, झुका रहता है। तो आश्चर्य है कि शरीर सहित विश्व को त्याग कर, क्यों त्यागना है, क्योंकि अगर मैंने ये नहीं किया, अपनी आइडेंटिफिकेशन सही नहीं करी, तो मैं सफ़र करता रहूँगा। किसी कुशलता से ही अब मैं परमात्मा को देखता हूँ। देखना मतलब ये नहीं कि सामने कोई आ गया परमात्मा और उसको देख रहे हैं, कोई तो और कोई है, देखता हूँ का इन द सेंस ये अलग थोड़ा घुमा के बात हो रही है। देखता हूँ इन द सेंस कि मुझे अब ये रियलाइज़ होने लगा है कि क्या सच है और क्या झूठ है, मुझे कहाँ रहना है और कहाँ